मैं होस्ट कुकिंग से रजनी। आज मैं बनाने जा रही हूँ ओनियन रिंग्स। तो फिर चलते हैं, बनाते हैं ओनियन रिंग्स, जो कि बच्चों को बहुत ही पसंद आता है, जिसका सारे इंग्रेडिएंट्स घर में ही मिल जाते हैं। सबसे पहले प्याज लेंगे, उसके आगे और पीछे के हिस्से को बढ़िया से काट लेंगे। जब हम सलाद बनाते हैं तो उसकी जो साइज होती है, साइज के डबल ओनियन रिंग्स के लिए प्याज को काटनी है, बिल्कुल इसी तरह जैसा कि मैंने काटा है। अब उसके छिलकों को आसानी से उतार लेंगे और एक एक करके उसके लेयर्स को हटाते जाएंगे। ये हो गया हमारा ओनियन रिंग्स। इसी तरह सारे प्याज के रिंग्स को अलग कर लेंगे। रिंग्स निकालने के बाद जो भी बचे हुए प्याज है, उसका हम लोग सब्जी में यूज कर सकते हैं। मैंने चार प्याज लिए हैं, जिसके मैंने लेयर्स निकाल लिए हैं। अब हम एक बॉल लेंगे, एक कप मैदा लें, 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर, 2 चुटकी ब्लैक पेपर और 2 चम्मच रेड चिली फ्लेक्स, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर लिया है। स्वाद के लिए मैंने 1 चम्मच ओरेगैनो लिया है, ये ऑप्शनल है। सारे इंग्रेडिएंट्स को मिला लेने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी को डालें और अच्छी तरह से विस्कर से मिलाएं, ताकि उसमें लम्स ना रहे। लिक्विड बिल्कुल इसी तरह की होनी चाहिए। बाद में इसमें नमक डाल के विस्कर से मिला लेंगे। मैंने ब्रेड क्रम्स की जगह कॉर्नफ्लेक्स क्रम बना के रखा है। अब मैं ओनियन रिंग को लिक्विड डो में डीप करूंगी। रिंग्स को डीप करने के बाद कॉर्नफ्लेक्स क्रम में डालूंगी। डीप करने के बाद रिंग्स को हाथ से न छुएं। इसी तरह सभी रिंग को बारी बारी से डीप करें, कॉर्नफ्लेक्स क्रम में डालते जाएं और हाथ से बिल्कुल ही ना छुए। कॉर्नफ्लेक्स क्रम में डालने के बाद फोक की सहायता से एक प्लेट पे निकाल लें। इसी तरह बारी बारी से सारे ओनियन रिंग्स को डिप करके कॉर्नफ्लेक्स क्रम में डालकर एक प्लेट में निकाल कर तैयार करके रखेंगे। ये देखिए, मैंने सारे ओनियन रिंग्स को तैयार करके रखे हैं। अब चलते हैं फ्राई करने। मैंने पहले से ही तेल को गर्म करके रखा है। बारी बारी से फ्राई कर लेंगे सारे ओनियन रिंग्स को। साइड बाय साइड उलट पलट कर फ्राई करेंगे। ये देखिए, हमारा ओनियन रिंग्स बनकर तैयार है। एक एक करके हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह से सेकेंड बैच का ओनियन रिंग्स भी फ्राई कर लेंगे और इसे एक प्लेट में निकाल कर रखेंगे।
ये देख हमारा ओनियन रिंग्स बनकर तैयार है। इसे चटनी, हरी चटनी या फिर टोमेटो सॉस के साथ परोसे, जो खाने में काफ़ी मज़ेदार लगती है। शाम के स्नैक्स में बच्चे बड़े चाव से खाएंगे ओनियन रिंग्स को।